नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बरेली से नई दिल्ली तक चलने वाली बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली के बीच में रोजाना चलेगी। 14 जून 2021 से ये दोबारा स्टार्ट हो रही है। वैसे ये कोविड रिजर्व ट्रेन है तो इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे नहीं है, आपको रिजर्वेशन के साथ ही जाना पड़ेगा और इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। डेली ट्रेन होगी, हफ्ते के सातों दिन चलेगी। बरेली उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली की जो दूरी है 5 घंटे 55 मिनट में कवर करेगी और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। बरेली जंक्शन से रोजाना 14 जून से ये सुबह 4:55 पर चलेगी और दिल्ली में सुबह 10:20 पर पहुंचेगी। 256 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे इसके टिकट किराए को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के टिकट किराए के बारे में तो इसमें एसी चेयर कार और बाकी कोचेज जो हैं वो जनरल अनरिजर्व डिब्बे के यानी कि सेकंड सीटिंग के कोच हैं जिसमें आपको सेकंड सीटिंग का किराया लगेगा। तो आगे हम इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एसी चेयर कार के कोच हैं जिसका बरेली से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया वो है 410 रुपये, जिसमें 346 रुपये बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, GST चार्ज जो है वो 20 रुपये है और टोटल किराया जो बनता है वो है 410 रुपये। ये हो गई एसी चेयर कार की बात, जो कि बरेली से नई दिल्ली तक का मैंने आपको टिकट किराया बताया। बाकी सेकंड सीटिंग के इसमें कोच होंगे जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना पड़ेगा, तो जिसका टोटल किराया जो बनता है वो है 110 रुपये, जिसमें 95 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज जो है वो 15 रुपये है, टोटल किराया जो बनता है वो है 110 रुपये। ये जो मैं अभी आपको टिकट किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली तक कौन कौन से स्टेशन हैं। ये जो ट्रेन है बरेली जंक्शन से रोजाना 14 जून से स्टार्ट हो जाएगी। इसका ट्रेन नंबर है 043-15, बरेली जंक्शन का स्टेशन कोड है BE। यहाँ से ये ट्रेन जो है हर रोज़ सुबह 4:55 पर चलेगी और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है भिटौरा में ये ट्रेन जो है सुबह 5:15 पर पहुँचेगी और 5:16 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 1 मिनट का स्टॉप है, 18 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है नगरिया सदत स्टेशन में सुबह 5:29 पर पहुंचेगी और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। नगरिया सदत का जो स्टेशन कोड है वो है NRS। इसके बाद रामपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 5:56 पर पहुंचेगी और 5:58 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 64 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है RMU। यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। रामपुर जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचेगी। सुबह 6:40 पर यह मुरादाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी और 6:45 पर वहां से रवाना हो जाएगी। यहां पर बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है और तकरीबन 90 किलोमीटर की यात्रा जो है यह बरेली से मुरादाबाद तक कवर कर चुकी होगी। मुरादाबाद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MB। इसके बाद मुरादाबाद के बाद ये ट्रेन जो है अमरोहा स्टेशन में पहुंचेगी। अमरोहा स्टेशन में बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो सुबह 7:12 पर पहुंचेगी और 7:14 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 120 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है AMRO। इसके बाद ये ट्रेन जो है गजरौला जंक्शन में पहुंचेगी सुबह 7:35 पर और 7:37 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 143 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसका स्टेशन कोड है GJL और यहाँ पर दिल्ली मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। गजरौला जंक्शन तक की जो दूरी है 144 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है गढ़ मुक्तेश्वर स्टेशन में पहुंचेगी। गढ़ मुक्तेश्वर स्टेशन में इसका पहुंचने का समय है सुबह 7:54 पे और 7:56 पे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 165 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। गढ़ मुक्तेश्वर का स्टेशन कोड है GMS। इसके बाद बरेली से नई दिल्ली तक चलने वाली बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने
नौवें स्टेशन हापुर जंक्शन में पहुंचेगी। सुबह 8:28 पर और 8:30 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 195 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है HPU। इसके बाद बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो पिलकुहा स्टेशन में पहुंचेगी सुबह 8:43 पर और 8:45 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 205 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और पिलकुहा का स्टेशन कोड है PKW। यहां पर ये ट्रेन जो है कुछ ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी सुबह 9:28 पर और 9:30 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 231 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। गाजियाबाद स्टेशन में ही ये ट्रेन जो है कई ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग करेगी और गाजियाबाद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है GZB। गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया। इसके बाद साहिबाबाद जंक्शन में पहुंचेगी। साहिबाबाद जंक्शन में बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो सुबह 9:41 पर पहुंचेगी और 9:42 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 237 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है SBB। यहां पर कुछ ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन में सुबह 9:51 पर पहुंचेगी और 9:52 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 243 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होगी। दोस्तों मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार स्टेशन जो है अलग अलग है। आनंद विहार टर्मिनल पे जाके ट्रेन जो है टर्मिनेट हो जाती है, आगे नहीं जाती, पर ये दूसरी लाइन पे है। आनंद विहार स्टेशन पे ये जाके रुकेगी और इसका स्टेशन कोड है ANVR, तो इसको आनंद विहार टर्मिनल से कन्फ्यूज मत होइए। दिल्ली के तिलक ब्रिज में ट्रेन जो है सुबह 10 बजे पहुंचेगी और 10:01 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 254 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है TKG। इसके बाद ये ट्रेन जो है तिलक ब्रिज के बाद ये ट्रेन जो है शिवाजी ब्रिज में पहुंचेगी। शिवाजी ब्रिज में इसका पहुंचने का समय है सुबह 10:06 पे और 10:07 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 255 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है CSB। इसके बाद बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन नई दिल्ली में पहुंचेगी सुबह 10:20 पे और अपनी 256 किलोमीटर की यात्रा जो है बरेली से नई दिल्ली तक कवर कर चुकी होगी। दोस्तों इसी के साथ बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ये 14 जून 2021 से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी बुकिंग ओपन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को।